श्रीनगर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत फारकिया में फारकिया हाथीपट्टा व मोहनपुरा मुख्य गांव है। इस बार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच की सीट पर 9 दावेदारों ने दावेदारी पेश की है। आवाज राजस्थान की टीम जब फारकिया पंचायत क्षेत्र पहुंची तो गांव की चौपाल पर यही चर्चा हो रही थी कि इस बार गाँव में शिक्षित व योग्य सरपंच का ही चुनाव करना है। गाँव में आज भी जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं चिकित्सा, रोजगार व परिवहन के साथ साथ पेयजल की समस्या से प्रतिदिन ग्रामीणों को रूबरू होना पड़ता है। गांव में सरपंच प्रत्याशी भवनलाल मेघवाल की चर्चा सुनने को मिली। हमने भवनलाल मेघवंशी से मुलाकात कर ये जानने का प्रयास किया कि गांव के चहुमुखी विकास हेतु वह क्या करेंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है सरपंच प्रत्याशी भवनलाल मेघवंशी का। इनका चुनाव चिन्ह है बिजली का खंभा। श्रीनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फारकिया में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। फारकिया में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने पर यहाँ पर दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। मेरे पास यहाँ श्रीनगर पंचायत समिति का जो फारकिया गांव है, इसका हाथीपट्टा जो गांव है, यहाँ से एक ने दावेदारी पेश की है। सर, आपने दावेदारी पेश की है, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम भवनलाल देवगा। भवनलाल जी, जी भवनलाल जी, जो ग्राम पंचायत फारकिया है, इसमें किन मुद्दों को लेकर आपने दावेदारी पेश की है? सर, पहली बात तो ये कि एससी की सीट आई है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। दूसरी दावेदारी के संबंध में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत में तीन गांव आते हैं, और तीनों ही गांवों में मैं घूम फिर के देखा है मैंने। मतलब सबसे बड़ी जो कमी है वो है नालियों की। ठीक है। मतलब जिस मोहल्ले में हम घुसते हैं, जिस गली में हम घुसते हैं, वहाँ बहु बेटियाँ मतलब निकलने में बहुत समस्या है, और पीने के पानी की लाइनें विधिवत रूप से, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। उनको सुचारू रूप से चलाना है। और हमारा ये तीनों ही गाँव में, मतलब पहले तो एक साथ रहा करते थे, अब छोटी छोटी ढाणियों में बसने लग गए हैं, तो उनके आवागमन के साधन करना है। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजनाएं, उन सारी योजनाओं का लाभ मैं ग्रामीण वासियों को देना चाहता हूं। ग्राम पंचायत जो फारकिया है, ये श्रीनगर पंचायत मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक है। यहां पर परिवहन की सुविधा है या नहीं, इस बारे में बताएं? बिल्कुल नहीं है सर, परिवहन की सुविधा बिल्कुल नहीं है। हमारी टीम ने आज फारकिया पंचायत के विभिन्न गांवों में जाके दौरा भी किया है। यहाँ पे पशु काफ़ी संख्या में हमें दिख नज़र आए यहाँ पे। क्या पशुओं के इलाज या अन्य जो इलाज हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर है, उसके बारे में कुछ बताएं? पशुओं के इलाज की तो बहुत बड़ी बात है साहब। हमारे यहाँ आम छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो या तो श्रीनगर या अजमेर ले जाना पड़ता है। हमारी महिलाएँ डिलीवरी पीरियड में अगर कोई संकट आ गया तो उनको ले जाने के लिए भी हमको सात बार सोचना पड़ता है, तब जाके सही जगह हम पहुंच पाते हैं। तो ये सुविधा तो बिल्कुल है ही नहीं इस गांव, पूरी पंचायत में ही नहीं। शिक्षा को लेकर बताएं, यहां पर जो दावेदार खड़े हैं, इनमें कैसा व्यक्ति है, मतलब आप कहां तक पढ़े हैं और वो अन्य कहां तक पढ़े हैं, उस बारे में बताएं? मैं ग्रेजुएट हूँ सन 86 का, और मेरे साथी हैं, उनमें दो ग्रेजुएट कोई नहीं है सर, ग्रेजुएट कोई हमारे साथी जो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं वो कोई भी शायद सीनियर हायर सेकेंडरी से ज़्यादा नहीं। मैं सबसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं जी। मेरे को ये बताएं, क्या हाथीपट्टा गांव से कभी कोई सरपंच बना है? जी बना है। कितने समय पहले बना है सर? 10 साल पहले। 10 साल पहले यहाँ से सरपंच बना है जी। मेरे साथ ही बुजुर्ग भी हैं जी। काका जी, आप बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या समस्या है? समस्या तो सभी चीज़ की समस्या ही है। मैंने आप तो मुझे एक समस्या बताओ यहाँ। एक तो पहली तो मांग पानी की भी समस्या है। पानी एक टोर आवे बापड़ा यही को ना, तो जाग खोल के तो मांगे सभी खुशी है। जब लड़े तो पानी की है, दूसरी थी तो आना मांगे कोई टाबर टूबर बच्चा बच्ची है तो अब कम ले जाओ भाई, कोई गाड़ी भी आने वे तो ठीक है। मेरे पास युवा भी है, हम युवाओं से बात करते हैं। आप मेरे को बताओ, जो बच्चों को यहाँ खेल कूद के लिए कोई मैदान वगैरह है यहाँ पे, खेल मैदान वगैरह? सर, खेल मैदान तो है, उसमें एक रोड बनी हुई है, उसके अंतर्गत क्रिकेट ग्राउंड था, वो उसके अंतर्गत वो वॉलीबॉल का मैदान भी बना दिया सीमेंटेड, और
उसके अलावा जो मेन समस्या है वो महिलाओं की कम मजदूरी आती है नरेगा के अंतर्गत। नरेगा में कम मजदूरी आती है? कम आती है साहब, 100 रुपए आता है और जबकि रेट 199 है। नहीं, रोजगार क्या पूरा मिल पाता है यहाँ पर? नहीं साहब, नहीं, 100 रुपए नहीं रोजगार। लोगों कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिल पाता है, कितने लोगों लगता है काम में? एक जॉब कार्ड पे सर 85 दिन या 90 दिन 85 दिन या 90 दिन लगते हैं। 100 दिन किसी के नहीं होते, पता नहीं ग्राम पंचायत की कमजोरी है कि किसी की हो, लेकिन 90 या 85 दिन लास्ट है। 100 दिन किसी के नहीं होते सर। और मेन जो है एक लघु, आप कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे, शिक्षित और सक्रिय सरपंच चुनना चाहेंगे कैसा, या रिमोट का सरपंच चुनना चाहेंगे? नहीं सर, जो शिक्षित हो और दमदार हो वही सरपंच। हमें जो ग्रामीण है ये चौपाल लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, सरपंच दावेदारी की चर्चा कर रहे हैं हम। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे। ग्राम पंचायत जो फारकिया में अभी चुनाव है, कितने लोग चुनाव में खड़े हैं और आपको कैसा सरपंच चाहिए? अभी ग्राम पंचायत तो फारकिया के मियाँ अभी करीबन 9 सरपंच अभी दावेदारी जिताई है और दावेदारी के मियाँ भी ऐसी की छीट आई है हमारी ग्राम पंचायत फारकिया में। और हम यह चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत फारकिया में मतलब योग्य और शिक्षित और मतलब जो गांव की जो मर्यादा और गांव के जो विकास की तौर अगर जो आगे बढ़ाए उसी सरपंच को हम चुनना चाहते हैं। महिला से बात करते हैं, आपको एक क्या जन समस्या है यहाँ? नाली की समस्या है। हाँ, नाली की समस्या और फिशर की समस्या है। लेटरिंग बनवा दी, उसमें पानी डालने का पानी नहीं है। पानी नहीं है और हमारे कोई बीमारी कुछ भी बच्चे को हो जावे तो कोई हॉस्पिटल नहीं पास में नहीं है। मेलम खराब हो जाती है तो उसके लिए साधन नहीं है। रोजगार लागे तो कम लगावे, रेट कम आवे। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? पढ़ाई की तो व्यवस्था है कई है, एक स्कूल वाई पहली चाहे 10वीं अब बनी है जाती। 10वीं अब बनी है? हाँ, 10वीं। रोजगार की शिक्षा की क्या व्यवस्था है बताओ? हमारी शिक्षा तो क्या है, जो भी लड़कियां हैं तो गांव से बाहर जाती है, हर जाती है, प्रॉब्लम आती है गांव में, क्यों पैदल जाती है, कहाँ समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम रहती है ना हर बार, कोई साधन नहीं मिलता है। आपको जो यहाँ रोजगार मिलता है नरेगा में, क्या सब लोगों को बराबर मिल पाता है? कुछ नहीं मिलता है यहाँ, रोजगार नहीं मिल पाता है। नहीं मिलता है। आप लोग कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? अच्छे चुनना चाहेंगे, जो गांव में काम करा सके। अच्छा तो अच्छे चुनने चाहेंगे, अच्छी रोशनी करे हमारा गांव, अच्छे चुनना चाहते हैं। ठीक है, आप बताओ जो आदमी चुनेंगे वो इसके लिए हैं। ठीक है, गांव में जो बिजली की समस्या है उसको लेकर बताओ, कोई विकास का या लाइट वगैरह व्यवस्था? बिल ज्यादा आता है और हमेशा कटती है लाइट, धूप मत बिल्कुल नहीं आवे, उंडाला में बिल्कुल लाइट अकले की आवेर काटे, अकले की आवेर काटे, कोई समस्या है सारी बिजली की समस्या है। फारकिया ग्राम पंचायत में हम लोगों ने इनसे बात करी है, इन लोगों का कहना है कि जो फारकिया ग्राम पंचायत है यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का जो काम है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है उनका लाभ भी इन लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। आज भी गांव में सड़क नहीं मिल पाई, बन पाई है, नालियां नहीं बन पाई है, यहां तक कि पंचायत मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद आज भी गाँव में आवागमन के साधन नहीं है। यहाँ पर पशु चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक का अभाव यहाँ देखा जा रहा है। जो मेरे साथ ये सरपंच पद पे खड़े हुए व्यक्ति हैं भंवरलाल जी, ये बता रहे हैं कि अगर मैं सरपंच बना तो गांव का चहुमुखी विकास करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षित हूं, योग्य हूं एवं काम कराने की क्षमता रखता हूं। मैं हर किसी की जवान पर भंवरलाल मेघवंशी का ही नाम था। लोगों का मानना है कि भंवरलाल मेघवंशी शिक्षित एवं योग्य हैं, वह गाँव के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।